एसपी नॉर्थ के निर्देशन में सहजनवा पुलिस ने दो अलग अलग गाड़ियों से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया है, जिसकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है। यह शराब अवैध तरीके से हरियाणा से बिहार ले जा रही थी। पुलिस ने अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र रामचंद्र जिला कैथल हरियाणा व कुलदीप सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी जिला चरखी दादरी हरियाणा को वाहन सहित गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ रोहित सिंह सहवाण ने बताया। ढकना खुला है। सहजनवा में एक लावारिस गाड़ी खड़ी थी स्विफ्ट डिज़ायर, उसके अंदर से काफ़ी अधिक मात्रा में शराब जो जा रही थी वो बरामद की गई। साथ ही साथ एक अन्य गाड़ी टाटा जेस्ट जो जा रही थी और पुलिस के द्वारा जब चेकिंग की जा रही थी तो उसी दौरान जो गाड़ी है वो उसने अपना रास्ता बदलने का प्रयास किया। पुलिस के द्वारा उसका पीछा किया गया लगभग 4-5 किलोमीटर तक, उसके बाद उसको रोका गया और उसके पास से दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए और साथ ही साथ जो गाड़ी है उसके अंदर से काफ़ी अधिक संख्या में हरियाणा की जो शराब है वो बरामद की गई है। तो ये जो अभियुक्तों से पूछताछ करने में पता लगा है कि जो शराब है वो हरियाणा से बिहार की तरफ जा रही थी और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और दोनों जो गाड़ियाँ हैं उनसे लगभग लाखों रुपये की शराब बरामद की गई है।